अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवान अली खान। आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही मिले। आइए सुनते हैं उन्वान, पानी, फल, रोशनी और सोने की जगह। एक मर्तबा एक बादशाह अपने वजीरों के हमरा जंगल में शिकार करने गया। काफी देर तक घूमने फिरने के बावजूद इन्हें कोई शिकार ना मिला तो बादशाह ने सबसे ज्यादा अक्लमंद वजीर से कहा कि कोई बात छेड़ो ताकि वक्त गुजरने में आसानी हो। वजीर ने बाअदब होकर अर्ज की, बादशाह सलामत, सियाने लोग कहते हैं कि दरिया जैसा पानी, आम जैसा फल, दिए जैसी रोशनी और सोने के लिए पलंग से बेहतर कोई चीज नहीं। वो ये बातें कर रहा था कि रास्ते में एक चरवाहा इन्हें मिला। चरवाहे ने वजीर की बातें सुनकर बादशाह से कहा, ये सब बातें झूठ हैं। बादशाह और वजीर चरवाहे की बातें सुनकर रुक गए। बादशाह ने चरवाहे से पूछा, मियाँ तुम ये किस तरह कह सकते हो कि ये बातें दुरुस्त नहीं? चरवाहे ने कहा, मैं मिसालों से साबित कर सकता हूँ कि ये बातें गलत हैं। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? चरवाहे ने मुअद्दब होकर कहा, बादशाह सलामत, फर्ज करें आप जंगल में अकेले सफर कर रहे हैं, आपको प्यास भी लगी हो और आप इतने थक चुके हों कि एक कदम चलना भी दुश्वार हो, तो सैकड़ों मील दूर बहने वाले दरिया का आपको क्या फायदा होगा? ये बात दुरुस्त है कि दरिया का पानी साफ और शफाफ होता है, लेकिन पानी तो वही अच्छा है जो आपके काम आ जाए और आपके पास हो। इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं कि दरिया के पानी जैसा पानी कोई नहीं। हकीकत यह है कि पानी वही कीमती है जो आपके पास है। बादशाह ने इसकी बात मान ली और कहा, अब ये बताओ आम वाली बात क्यों गलत है? चरवाहे ने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद सोचें और बताएं कि आम भी कोई फल है? कच्चा हो तो खट्टा होता है, कौन खाता है? और जब पक जाए तो भी खाने के काबिल नहीं होता। असल फल तो गंदम है जिसे हम सारा साल खाते रहते हैं। अमीर गरीब सब लोगों की खुराक है, सबका पेट पालती है। इसलिए ये बात गलत है कि आम जैसा फल कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ कि गंदम जैसा फल कोई नहीं। बादशाह ने कहा, ये बात भी ठीक है, अब बताओ कि दिए की रोशनी जैसी कोई रोशनी नहीं, ये बात कैसे गलत हो सकती है? चरवाहे ने कहा, दिए की रोशनी क्या चीज है? आप एक अंधे आदमी के सामने हजारों चिराग रोशन कर लें, इसे कुछ नजर नहीं आएगा। बादशाह सलामत, आप दुआ करें, अल्लाह आँखों की रोशनी दे। आँखों का नूर हो तो इससे ज्यादा अच्छी रोशनी कोई नहीं हो सकती। बादशाह को चरवाहे की दलील पसंद आई और कहा कि इसमें कोई शक नहीं, तुम ठीक कहते हो। अब सोने के लिए पलंग से ज्यादा आरामदेह चीज की मिसाल पेश करो। चरवाहे ने कहा, पलंग में आराम नहीं बल्कि हकीकी सुकून तो खुशी में है, सुख में है। आप खुद सोचें कि अगर आपकी तबीयत नासाज हो, आपके जिस्म पर फोड़े निकले हों, तो क्या आपको पलंग पर नींद आ जाएगी? हरगिज नहीं। अगर इंसान खुश हो, सुकून और सुख में हो, तो इसे पत्थरों पर भी नींद आ जाती है। इसलिए ये बात गलत है कि सोने के लिए आरामदेह चीज पलंग है, या इससे ज्यादा पुरसकून जगह कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ कि सुख और सेहत से अच्छी चीज कोई नहीं।
बादशाह चरवाहे की बात सुनकर बेहद खुश हुआ और इसे इनाम व इकराम से नवाजा। दोस्तों, प्यारे सुनने वालों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्यारी प्यारी बातें अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो अभी शेयर के बटन पे क्लिक करें। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, गूगल या किसी भी नेटवर्क पे आप ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।